हुए 29 तारीख को, और उनने ये बताया कि साहब हमारे साथ में विभिन्न बैंकों के माध्यम से अमित जैन और उनके साथियों ने हमारे नाम से लोन निकाला है, और लोन निकाल के वो खुद उपयोग कर रहे हैं, हमको बहुत कम राशि मिली है और हमारे साथ काफ़ी सारा फर्जीवाड़ा हुआ है। जब उसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने मुकदमा कायम किया, अपराध पंजीबद्ध हुआ है बालकरण बेगा की रिपोर्ट पर। अमित जैन और उसके साथियों की तलाश की, उनको पकड़ा गया तो बहुत सारी चीज़ों का फर्जीवाड़ा सामने आया है, लगभग 20 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है। ये अमित जैन अपने साथियों के साथ मिलकर, अपनी पत्नी के साथ मिलकर कंपनी बनाया हुआ था, और उस कंपनी के माध्यम से ये बैंकों से, विभिन्न बैंकों से लोन पास करवाता था, और लोन पास करवा के और उस लोन का उपयोग ये खुद करता था, वाहन दिलवाता था, वाहन का उपयोग खुद करता था, और जो लोगों के नाम से लोन, जिनके नाम से दिलवाता था, वो ज़्यादातर अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं और वो सब शिक्षक के पद पर हैं, जो सरकारी नौकरी पर हैं। जब उनके नाम से विभिन्न प्रकार की रिकवरी आई तो वो लोग ठगी के शिकार हुए, उनको सारी चीज़ों की जानकारी हुई तो उनने पुलिस को इंटीमेट किया। ये तो सब गलत बात है, लेकिन ये बात सही है कि वो बहुत शातिर किस्म का व्यक्ति है, MBA किया हुआ है, LLB किया हुआ है, सारे हथकंडे वो जानता है, वो वही हथकंडे जो शिक्षक लोग थे उनके साथ उपयोग करता था, वही हथकंडे वो सबके साथ कर रहा है, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पुलिस विधिवत कार्रवाई कर रही है, वैधानिक कार्रवाई। बैंक के संबंध में, हम बैंक के कुछ ट्रांजेक्शन के हमको कागज मिले हैं, और लगभग एक दिन में 100-100 बार ट्रांजेक्शन के कागज भी मिले हैं, तो हम अभी विवेचना में और PR के दौरान आरोपियों की PR लेंगे, और विवेचना के दौरान हम इसमें बैंक की तहकीकात भी करेंगे कि बैंक से क्या क्या चीज़ों की क्या गड़बड़ी हुई है, वो भी हम जांच करेंगे। बैंक स्टेट बैंक हैं, कियोस्क बैंक हैं, अपने सुंदरम बैंक हैं, बजाज फाइनेंस हैं, बहुत सारी अच्छी एजेंसियाँ हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। नहीं, अभी ये तो नहीं कह सकता मैं कि कर्मचारी शामिल हैं, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन में इसमें देखेंगे, और अगर ऐसा कोई होगा तो कार्रवाई करेंगे। यही तो खास बात है कि एक सामान्य व्यक्ति को लोन लेने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसने जो फर्जीवाड़ा करके रखा था, इसके माध्यम से कर्मचारी को फटाफट लोन मिल जाता था। बिल्कुल, हम सबसे पूछताछ करेंगे, सब जगह से कागज इकट्ठे करेंगे, सब जगह से जानकारी लेंगे। सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपराधी के द्वारा ऐसी हरकत की गई, पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस तरह की हरकत हुई, पर क्या आप मानते हैं कि इसमें पुलिस तंत्र कहीं ढीला है या ऐसा कुछ करता का? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, पर ऐसा हिम्मत तो कभी नहीं हुआ आज के पहले? नहीं, कभी नहीं।